नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर एलएचटीवी इंडिया की एक नई वीडियो में। मौसम को लेकर अभी एक ताजा खबर निकल कर आ रही की वेदर डिपार्टमेंट वार्निंग, उत्तर प्रदेश में घर से इंतजाम के साथ निकले बाहर। यूपी में अगले तीन दिनों तक लगातार बरसेंगे बादल, गिरेगी बिजली। तो चलिए जानते हैं अपने अपने शहर का कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसमों को लेकर मौसम की ताजा भविष्यवाणी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय पहले भी मौसम लगातार खराब रहा, फिर उसके बाद मौसम एक बार खुल गया, लेकिन अब फिर बारिश होने से लगातार मौसम खराब रहेगा। यूपी के कई जिलों में सुबह से जमकर बारिश होगी। वहीं अब लखनऊ समेत 40 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कई इस दौरान कई जिलों में गरज चमक साथ भारी बारिश होने की आशंका है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं प्रदेश में दिन में धूप खिली और शाम होते ही बादल छाने लगे। इसके बाद आज फिर कई इलाकों में बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान नोएडा में जमकर बारिश होने की आशंका है। तो वहीं मौसम विभाग ने अब फिर अगले तीन दिनों के बीच कई इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई है। इसके तहत मेरठ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मौसम में खासा बदलाव आया है। ठंड के बीच उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश का ये दौर अगले तीन चार दिनों तक यूपी की राजधानी लखनऊ समेत इन सभी जिलों में देखने को मिलेगा। लखनऊ के लोगों की शुरुआत हल्की बारिश से हुई। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और आसपास के इलाकों में अब फिर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। यदि शहर के तापमान की अगर बात करें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। कल लखनऊ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना अब फिर मौसम विभाग जता रहा है। इसी बीच मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही कि सीएसए के कृषि मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि मौसम में सर्दी का असर कम हो रहा है। इसकी वजह से सूरज का पृथ्वी की सीध में आना है। अब भारतीय भूभाग पर सूरज की सीधे किरणें पड़ रही हैं। इसके बावजूद दो पश्चिमी क्षोभ और एक चक्रवाती हवाओं का दबाव तंत्र सक्रिय हो गया है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में तेजी से अब फिर बदलाव आएगा, जिससे आज वर्षा की शुरुआत हो जाएगी। इससे एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ सकता है। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। उत्तर भारत में फिर ठंड में इजाफा हुआ है। कई जगहों पर पारा लुढ़क गया है तो कहीं शीतलहर अभी भी चल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में अब फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल बादलों के साथ कोहरा छाने का भी अनुमान है। वहीं रात में तेज बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक लगातार आसमान में काले घने बादल छाए रहने का लोग लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। बारिश से ठंड में और इजाफा होगा, जिससे लोगों की और परेशानी बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मौसम से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एलएचटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।